रांची के रिम्स में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का इलाज करने वाले डॉक्टर उमेश यादव का निधन हो गया है। डॉक्टर उमेश रिम्स में मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष थे। उनके निधन पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शोक जाहिर किया है। डॉक्टर उमेश प्रसाद मल्टीपल मायोलोम से ग्रसित थे। उन्होंने 2 वर्ष से भी ज़्यादा समय तक रिम्स में लालू प्रसाद यादव का इलाज किया था। मल्टीपल मायोलोमा एक प्रकार का कैंसर है। मायोलोमा बोन मैरो में पाई जाने वाली कोशिकाओं का एक ब्लड कैंसर है। डॉक्टर उमेश प्रसाद की पहचान रांची के मशहूर डॉक्टर्स में से थी। कोरोना महामारी के बीच वो लगातार रिम्स में सेवा देते रहे। लालू यादव के रांची जेल से रिम्स में भर्ती होने के बाद डॉक्टर उमेश प्रसाद लगातार उनका इलाज करते रहे। कोविड के मामले बढ़ने के बावजूद उन्होंने लालू यादव को बीमारी से सुरक्षित रखा। डॉक्टर उमेश प्रसाद का अंतिम संस्कार रांची स्थित हरमू घाट में किया गया। डॉक्टर प्रसाद के बहनोई डॉक्टर राजेश गुप्ता ने बताया कि अभी उनके पुत्र की शादी की बात चल रही है। आपको बताया चलें कि उमेश प्रसाद का जन्म बिहार के बक्सर ज़िले में हुआ था। फिलहाल डॉक्टर उमेश के इस तरह से चले जाने से झारखंड में शोक की लहर है। ITP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।